ये क्या लेकर चले? बाइबल, पवित्र बाइबल। क्यों यहाँ लेकर क्यों आए थे यहाँ पर? इसी से हम लोग इसको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ईसा मसीह के बारे में बताते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ धर्मांतरण होता है। हमको जबरदस्ती फोर्स किया गया इन लोग के कुछ लोगों की तरफ से कि 15,000 रुपया मंथली देंगे आपको, प्रलोभन दिया। हाँ, 15,000 रुपया मंथली देंगे आपको। दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो निकल कर के आया है जो कि झारखंड का बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक गांव में एक घर के अंदर कुछ मसीह लोग हैं, उनको बुलाया जाता है परमेश्वर के आराधना प्रार्थना के लिए, लेकिन कुछ नफरती चिंटू वहां पर क्या करते हैं, अपने एक व्यक्ति को वहां पर भेजते हैं और सारी कहानी स्क्रिप्टेड बना करके किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। उनके साथ मारपीट भी की जाती है, मारपीट भी ऐसी, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं और जो मीडिया पर्सन उनसे सवाल जवाब करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, झारखंड से निकल कर के आई है वीडियो। पहले मैं आपको दोस्तों ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये क्या लेकर चले? बाइबल, पवित्र बाइबल। क्यों यहां लेकर क्यों आए थे यहां पर? इसी से हम लोग इसको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ईसा मसीह के बारे में बताते हैं। गिरी बुलाए, कहाँ कहाँ गए हो इससे पहले? रांची गए। कितना घर में जा चुके हो? हाँ, चर्च जाते थे। जो कर रहे थे वो गलत था कि सही था? ये तेरे ईमान से बोलो, जो तुम कर रहे थे गलत कर रहे थे कि सही कर रहे थे? यहाँ मेरा घर में सत्संग हो रहा था, यीशु मसीह का, इसलिए लोग आकर हम तोड़ फोड़ करने लगा, मार पीट करने लगा। नहीं, कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते, बस ये बता रहे थे। देखो, चंदन भैया भी आते थे, वो दास थे, उनको भी मार पीट किए, एक भाई मारे, उनका इनका भी मारे, उनको चंदन भैया गाली के मारे, लड़का को मार के। अच्छा, इसको पहचान रहे आप? हाँ, पहचान। कितना मारा है? लीडर, आप दो बार हमको कॉन्टेक्ट में आए हैं मिले। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार सोनी हुआ, हम हजारीबाग मंडी खुर्द से हैं। दो बारी हमसे मिले अपने थ्रू, एक मेरी बगल की महिला है उसको भेजे हैं दो तीन बार हमसे मिलने। बोले कि देखो, ये एक सत्संग है जिसमें रोग ठीक कर दिया जाता है, अगर कैंसर पीड़ित भी है कोई तो उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है कोई चीज से, तो ये बोला था हम ठीक कर देंगे। तो हम लोग कहें झूठ का है बोल रहे, मीडिया के सामने झूठ नहीं, मीडिया के सामने झूठ नहीं भैया। तो ऐसा मार दीजिए, लेकिन तो हमको बुलाया, हमको बुलाया, हम आए, हम सोचे चलो कोई लोग मेडिसिन वगैरह यूज करता होगा तो हमको लगा ठीक कर देगा, मेरा इन्फेक्शन जो होता है वो ठीक कर देगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ धर्मांतरण होता है। हमको जबरदस्ती फोर्स किया गया इन लोग के कुछ लोगों की तरफ से कि 15,000 रुपया मंथली देंगे आपको, प्रलोभन दिया गया। हाँ, 15,000 रुपया मंथली देंगे आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ में एक 3 दिन की चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। 19, 20 और 21 मार्च को ये चंगाई सभा होने वाली है चंडीगढ़ में, शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रॉफिट बविंदर सिंह के स्पिरिचुअल फादर बिशप विजय इमानुअल इस चंगाई सभा को लेंगे। मैं आपको बता दूं, यहां पर आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। आप कहीं से भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं इस 3 दिन की चंगाई सभा में 19, 20 और 21 मार्च को शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। अगर आप हमारी वीडियो को दूर से देख रहे हैं और आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रुकने का और खाने का प्रबंध कर दिया गया है। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है, सेक्टर 29D देश सेवक भवन चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, अभी दोस्तों अभी ये स्क्रीन पर आप एक ये तस्वीर देखिए जो कि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई। इस तस्वीर को देख करके आपको पता लगेगा कि जो लोग वहां पर प्रार्थना करने के लिए गए थे किस तरीके से उनके साथ मारपीट भी की गई और उनके कपड़े तक उतार लिए गए, यहां पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये आराधना प्रार्थना करने के लिए गए थे। और जो व्यक्ति अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस व्यक्ति ने दोस्तों इस वीडियो में भी बताया कि इसको 15,000 रुपए का लालच दिया गया। और जब मैंने इस पूरे वीडियो को देखा दोस्तों, मैंने आपको कुछ छोटा सा ही पार्ट दिखाया इस वीडियो का, लेकिन जब मैंने पूरे इस वीडियो को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि आखिर ये माजरा क्या है। यहाँ पर जहाँ पर ये चर्च लग रही थी, जहाँ पर संडे को ये आराधना प्रार्थना की जा रही थी, यहाँ पर करीब 2-3 संडे से लगातार हो रही थी ये आराधना प्रार्थना। इस वजह से जो वहाँ के कुछ नफरती चिंटू हैं उनको आग लग गई कि क्यों यहाँ पर ऐसे आराधना प्रार्थना की जा रही है। तो उन्होंने अपना एक आदमी इनके बीच में भेज दिया जो कि यही व्यक्ति है जो कि बता रहा था कि 15,000 रुपए इसको देने के लिए बोला गया कि 15,000 रुपए तुमको दिया जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लो। और यही दोस्तों उल्टी सीधी कहानियां इनके बारे में बताने लगता है कि वहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था,
वहाँ पर बोला जा रहा था कि हर हफ्ते दो लोगों को लेकर के आओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ। पहली बात तो दोस्तों, चाहे आप इसकी बात को सही माने या गलत माने, लेकिन मेरी तरफ से तो ये बात बिल्कुल गलत और झूठी है। क्योंकि जब ये लड़का उस मीडिया वाले को बयान दे रहा होता है, तो ये जो साथ में खड़ा व्यक्ति है जिसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है, वो बोलता है कि मार दो लेकिन झूठ मत बोलो। ये दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं बोलता है। उस मसीह व्यक्ति ने इस बात को इसीलिए बोला होगा क्योंकि उसके खिलाफ जबरदस्ती उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, ताकि वो और ज्यादा फंसे, मीडिया में उसकी बदनामी हो और जो पुलिस है वहां की उसके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि आपने सुना उस वीडियो में, इस लड़के का ये भी कहना था कि मुझे कोई एलर्जी थी तो मैंने सोचा इनके पास जा करके इनसे करवा लेता हूँ ठीक, ये क्या पता मुझे कोई दवा वगैरह लगाएंगे, और इन्होंने बोला था कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। तभी वो व्यक्ति जो है, जो जिसको इन्होंने पकड़ रखा होता है, जो मसीह व्यक्ति, वो बोलता है नहीं ये झूठ है, मार दो लेकिन झूठ मत बोलो। और फिर दोस्तों आपने वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा किस तरीके से जो ये व्यक्ति है और इनकी वाइफ है, इनके सामान को नीचे फेंक दिया जाता है, उसके अंदर से सारा सामान निकाल दिया जाता है, जिसमें इनके खुद के निजी पैसे भी थे और बाइबल भी रखी हुई थी। और मीडिया का व्यक्ति दोस्तों आपने देखा बाइबल को उठा करके इस बात को बोलता है कि आखिर ये तुम अपने साथ लेकर के क्यों घूम रहे हो। मैं मीडिया के व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक पास्टर हो चाहे एक विश्वासी हो, वो अपने साथ में बाइबल नहीं रख करके घूमेगा तो क्या रख करके घूमेगा? आखिर चर्च में कहाँ से यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जाता है, कहाँ से यीशु मसीह की शिक्षाओं को लोगों को बताया जाता है? मसीह लोगों के पास बाइबल ही तो है जिससे वो लोगों को बताते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता मीडिया वाले पर्सन का कि वो इस तरीके से ऐसा सवाल पूछे कि आखिर तुम बाइबल साथ में रख करके क्यों घूम रहे हो। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाद में दोस्तों इनको पुलिस लेकर के चली जाती है अपने साथ, जो लोग भी आराधना प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि ये लोग कहीं और से आए हुए थे इसीलिए पुलिस इनको अपने साथ ले जाती है। आगे हमें कोई जानकारी नहीं है कि इनको छोड़ दिया गया है, कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई है या क्या इनके साथ हुआ है पता नहीं। लेकिन बहुत हैरानी वाली बात है, एक बात आप और सोचिए दोस्तों, जो उनके पास पैसे थे, जो उन्होंने अपने पास पैसे रखे हुए थे, उसके ऊपर भी ये लोग सवाल उठा देते हैं कि आखिर ये पैसे रख करके क्यों साथ में घूम रहे हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में किसी को बताने के लिए जा रहा है, ना उसके पास पैसा होना चाहिए, ना उसके पास बाइबल होनी चाहिए, ना वो गाड़ी में आना चाहिए, ना वो मोटरसाइकिल पे आना चाहिए। क्योंकि अगर वो इन सब चीज़ों के साथ आएगा तो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाएगा। अगर उसके पास पैसे निकलेंगे, चाहे वो खुद के उसके निजी पैसे हों, तब भी उसको बोला जाएगा कि ये पैसे तुम धर्म परिवर्तन कराने के लिए लेकर के साथ में घूम रहे हो। आखिर जब आप इन पैसों को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये मुश्किल से 2,500 रुपये होंगे। क्या 2,500 रुपये में कोई अपना धर्म बदलता है? इतने बड़े बेवकूफ दोस्तों ये लोग हैं। ऊपर से दोस्तों जो लड़का बोलता है कि मुझे 15,000 का लालच दिया, मैं आपको बता दूं शायद ही जो ये आराधना करने गए हों वहाँ पर, इनके पास टोटल मिलाकर के भी 15,000 रुपये हों। अगर उनके पास 15,000 रुपये होते तो उनकी वेशभूषा ऐसी ना होती, वो अच्छे कपड़े पहन करके आते। अगर 15,000 रुपये उनको इस लड़के को देने होते जैसा इसका कहना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्तों 15,000 रुपये वो अपने ऊपर पहले खर्च करते, या जिन पैसों में से इसको 15,000 देते उनमें से अपने ऊपर भी तो लगाते। क्या इनके कपड़े देख करके आपको लगता है कि 250-300 रुपये से ज्यादा महंगे कपड़े इन्होंने पहने हैं? बेफजूल की और बेकार की बातें दोस्तों आजकल हमारे देश में होने लगी है कुछ ऐसे मूर्ख लड़कों की वजह से। ये अनपढ़ होते हैं दोस्तों और इनको किसी बात का पता नहीं होता है। अगर कोई इनसे प्रैक्टिकल रूप से अगर पूछ ले कि 15,000 रुपये तो इनके पास टोटल भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो दोस्तों जो पैसे इनके नीचे निकाले गए थे वो भी शायद 2,500 रुपये से ऊपर नहीं होंगे, तो किस तरीके से उन्होंने इसको 15,000 रुपये का लालच दे दिया? आखिर ये तो मूर्खता है, ऐसी बात को बोलना मूर्खता है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।